आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। शास्त्री नगर इलाके का दहशतगर्द चढ़ा पुलिस के हत्थे, थाना सराय रोहिल्ला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। उत्तरी दिल्ली के थाने सराय रोहिल्ला पुलिस ने शास्त्री नगर इलाके क्षेत्र में होली के दिन हुई चाकूबाजी की वारदात में शामिल 5 बदमाशों में से 2 को धर दबोचा है। ज्ञात रहे 18 मार्च को होली के दिन शास्त्री नगर के चरखीवाला पार्क के बाहर हुई चाकूबाजी की वारदात में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल था। थाना सराय रोहिल्ला के एसीपी राकेश त्यागी के नेतृत्व में थाना प्रभारी शीश पाल की अगुवाई में एक टीम का गठन किया गया। इस टीम में सब इंस्पेक्टर विनोद नैन व मनोज कुमार के साथ रामबाबू, अमित, संदीप कुमार एवं रोहित शामिल थे। पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 22 मार्च को केशवपुरम से 2 बदमाशों को पकड़ा। ज्ञात रहे इस मामले में मोहम्मद रिजवान व विक्की को गिरफ्तार कर लिया गया है, बाकी के 3 आरोपी फिलहाल फरार हैं। मोहम्मद रिजवान पर क्षेत्र में उत्पात व दहशत फैलाने के पहले भी 3 मामले दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।